गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक WWE का आज हुआ मंडे नाइट रॉ नहीं देखा है तो गाइस आपको बता दूं, आज WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर हमें वुमेन्स मनी इन द बैंक का सबमिट सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर वुमेन्स मनी इन द बैंक के सभी कंटेंडर हमें रिंग के अंदर लैडर पर खड़ी होकर एक दूसरे को इंटरप्ट करते हुए दिखाई देती गए। और गाइस यहां पर रॉ के ऊपर हमें ट्रिश स्टेटस, जोई स्ट्रॉक, बेकी लिंच, इयो स्काई, जेलिना वेगा और बेली के बीच में बैक एंड फोर्थ काफी हीटेड सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर ये सभी रेसलर अपने मनी इन द बैंक को वन करने को लेकर बात करते गए, जहां पर बेली ये कहते गए कि बेली इकलौती वो रेसलर है जिसने पहले भी मनी इन द बैंक को जीता हुआ है और वो दोबारा मनी इन द बैंक को जीतेंगे। तो गाइज वहीं बेकी लिंच ये कहती गए कि वो WWE हिस्ट्री की सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग चैंपियन थी और गाइज मनी इन द बैंक को जीतने के बाद वो दोबारा चैंपियन बनेंगी और वो एक बार फिर से वुमेन डिवीजन को अपने कंधों पर लेंगी। और गाइज कुछ इस तरीके से बैक एंड फेस आर्गुमेंट के बाद हमें इस एंडिंग पर ट्रिश स्टेटस बेकी लिंच को मॉक करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद बेकी लिंच ट्रिश स्टेटस पर अटैक कर देती गए। और गाइस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर हमें सभी रेसलर एक दूसरे पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर सभी के रिंग साइड एरिया पर ब्रॉल करने के बाद बेकी लिंच सेगमेंट के एंडिंग पर लैडर पर चढ़ जाती गए। और गाइस बेकी लिंच मनी इन द बैंक को निकाल के WWE के फैंस को यह दिखाती गए कि वो मनी इन द बैंक को जीतने वाली गए।